उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर नीता साहू ने बात की न्यूज फर्स्ट के साथ में। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने बाल संरक्षण आयोग के कार्य को लेकर के क्या कुछ कहा। और रिपोर्ट सबमिट करें, उसी के कार्यक्रम के तहत आज मेरा जौनपुर जनपद का कार्यक्रम 2 दिन का था, 11 और 12 का। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे आई हूँ और यहाँ के DPO साहब सोनी जी के साथ मैंने यहाँ के आने पता लगा कि यहाँ के जो भी बाल गृह थे उसका वो कोई भी संचालित नहीं है, जबकि मेरी लिस्ट में ऑलरेडी 7 होते जिसमें ये आश्रम पद्धति ये नहीं करना था अभी, लेकिन जो बाल गृह शिशु रहा है इनको 7 कौन कौन से हैं इसमें, ये था महिला कल्याण विभाग NGO द्वारा बाल गृह शिशु दुखना देवी सेवा संस्थान सराय बिदौली जलालपुर जौनपुर ये है, और इसी तरह महिला कल्याण विभाग NGO द्वारा शिशु गृह है ओम जय महाशक्ति धाम समिति गोपालपुर धनियासु जौनपुर। तो इन जगहों में मैंने DPO साहब से बात हुई, पता चला बताया, लेकिन मैं चल के वहाँ स्वयं देखेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है वहाँ की, बंद है या पेपर पे अभी भी चल रहा है, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं चलता रहता लेकिन कागजी चलता रहता है और फंड मिलता रहता है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम लोग निकले यहाँ से, उन्होंने देखा तो उसके प्रमाणित करने के लिए कि हम वहाँ जाके क्या जवाब देंगे कि बंद है, तो मैंने उन दोनों संस्थाओं के उसे मैंने इसको इन राइटिंग ले लिया, उन्होंने कहा पैड नहीं है स्टैम्प नहीं, हमने कहा आप लिख के दीजिए और बिल्डिंग आपकी क्या है क्यों बंद हुआ कैसे हुआ इसकी जानकारी दीजिए। तो पता चला कि उनको फंड नहीं मिला, एक कोई डॉक्टर साहब है क्या नाम उनका, ये ओम जय महाशक्ति ने उनका शायद नर्सिंग होम का भी, क्योंकि जो मैंने आज देखा वहाँ पे जो रूम थे वहाँ पलंग पड़ी थी, कोई मरीज़ नहीं कोई व्यवस्था नहीं, बोले नर्सिंग होम में नर्सिंग होम भी अगर है आदमी 5 बेड का भी करता है तो उसको व्यवस्थित रखता है, सिर्फ पलंग डाल के और गद्दे डाल के नहीं करता भाई, उसमें कम से कम पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई मरीज तो होना चाहिए स्टाफ होना चाहिए कुछ नहीं। तो वहाँ तो देखने से एकदम लगा कि वो जो भी कुछ है, फिर आगे बढ़े उनके पता चला सिलाई मशीन रखी है, यहाँ क्या होता है यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है निःशुल्क, कैब टाइमिंग क्या कोई तो नहीं दिख रहा, बोले 12 बजे सब चले गए, पेंटिंग भी सिखाई जाती है देखिए रखा है, फिर उन्होंने मुझे कम से कम 15-20 पलंग फोल्डिंग जैसे टेंट हाउस में रहते हैं ये भी रखे हुए मिले हुए। तो इनका मकसद ही नहीं समझ में आता कि इनका उद्देश्य क्या है, शिशु गृह चलाना बाल गृह चलाना स्कूल चलाना, वहाँ पर हम लोग उनके ऑफिस में बैठे तो हम लोगों को कुछ एक मदरसे का भी हैंडबिल वो दिखा, बोले वो पीछे स्कूल चलता है कॉपी किताब यहाँ रखी है, डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई, अब वो कहाँ थे उन्होंने कह दिया बनारस में है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था जो फ़ोन पर कर रहे थे वो आसपास ही कहीं थे लेकिन वो हम लोग सामने नहीं आ जाते थे। तो उनके जो भी रिलेशन में थे, एक उनका बेटा था और एक उनका स्टाफ कोई भी था, उन्होंने कहा आप ही लिख के दीजिए भाई, अब जो है उसको हम लेके जाएंगे कि हम आए और चले गए इससे तो काम करें, लेकिन हमने जब देखा तो वहाँ एकदम सब पूरी किताब दिखा कुछ नहीं कुछ मौके, भी मौके पे कुछ भी मौके पे कुछ नहीं ना कोई मतलब तो वहाँ भी लगे नहीं क्या कुछ चल भी रहा था, उन्होंने कहा नर्सिंग होम तो नर्सिंग होम का सीन भी नहीं दिखा। टोटल कितने यहाँ पे, एक तो ये 2 नाम से यहाँ रजिस्टर्ड था, टोटल 7 हैं मैडम एक बताए, टोटल 7 हैं जिसमें से मौका मुआयना पर एक भी संचालित पूर्ण रूप से संचालित नहीं मिला। मतलब ये थे वकील साहब, उन्होंने कहा कि हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया मुझे फल नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया। विभाग का क्या करना है, अब ये तो भाई हमारी लिस्ट में तो विभाग ने कभी फंड जारी किया है ऐसा क्या, लेकिन जो लिस्ट मुझे मिली है अब तो यहाँ आके वास्तविक तो जमीन पे आके पता लगी ना, वो कह रहे मैंने लिख के पूरा देख लिया है मेरा बंद हो चुका है।